हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मूवी ऐप यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड एपीआई। एपीआई का यूज़ करके हम एक मूवी इंफॉर्मेशन ऐप क्रिएट करेंगे। आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक सर्च बार है जिसमें आप कोई भी मूवी का नेम एंटर कर सकते हैं। देन सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मूवी की डिटेल मिल रही होंगी पूरी। तो देखिए, हम यहाँ पर जैसे सर्च करते हैं पठान मूवी को और सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास पठान मूवी की कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। इमेज, टाइटल, रेटिंग, देन मूवी का टाइप एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, देन रिलीज ड्यूरेशन एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी मूवी का डिटेल आ चुका है। देन आप यहां पर कोई भी मूवी को सर्च कर सकते हैं। तो हम यहां पर सर्च कर रहे हैं पीके और सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास पीके मूवी की कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। तो इस तरीके से हम कोई भी मूवी को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक और मूवी को सर्च कर सकते हैं, जैसे थ्री इडियट। देखिए थ्री इडियट्स, और सर्च बटन पर हम क्लिक करेंगे तो थ्री इडियट मूवी की डिटेल आ चुकी है। इस तरीके से यार कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूज़र यहाँ पर मूवी नेम इंटर नहीं करता है और डायरेक्ट सर्च बटन पर क्लिक करता है कुछ इस तरीके से, तो हम उसको एक एरर मैसेज शो करेंगे, सर्च मूवी नेम इस तरीके से, या फिर वो गलत मूवी का नेम इंटर करता है कुछ भी इस तरीके से, और सर्च बटन पर क्लिक करा किसी ने गलत मूवी इंटर करके नेम, तो देखिए हम यहाँ पर उसको मैसेज शो करेंगे मूवी नॉट फाउंड। ठीक है, अगर वो सही नेम इंटर करेगा और सर्च बटन पर क्लिक करेगा तो देखिए उसको कंप्लीट मूवी की डिटेल मिल रही होगी। तो आप लोग देख सकते हो यार, हमने कंप्लीट मूवी ऐप क्रिएट किया है और ये मूवी ऐप यार कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं और देखिए आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा मूवी इंफॉर्मेशन ऐप है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है मोबाइल के अंदर, और ये हम मोबाइल व्यू के अंदर है, आप लोग देख ही सकते हो। देखिए, और यहाँ पर हम जैसे सर्च करते हैं पीके, सर्च बटन पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास पीके मूवी की डिटेल आ रही है। तो कुछ इस तरीके से यार हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ रही है और कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। और हम देखिए इसकी साइज़ यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी साइज़ में कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। देखिए जैसे हमने इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी करी तो हमारे पास जो लोगो है और सर्च बार है वो एक लाइन में आ चुके हैं। जैसे साइज़ छोटी करेंगे तो दोनों एक के नीचे एक आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यार, हमने एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव मूवी ऐप क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर कहीं से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार आप ज़रूर चैनल पर विज़िट करें क्योंकि यार हमने आपके लिए क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया है। तो हम चलते हैं वी एस कोड पर। हमारे पास बेसिक फाइल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एच टी एम एल देंगे। तो एक ड्यू ले रहे हैं जिसकी क्लास होगी कंटेनर। देन हमारे पास एक नया टैग होगा, नया बार क्रिएट करेंगे इसमें हम। एक ड्यू ले रहे हैं जिसकी क्लास होगी लोगो, इसके अंदर हमारे पास एच वन होगा और इसके अंदर हम लोगो लिखने वाले हैं। तो हम लोगो लिख देंगे मूवीज़ इस तरीके से। एक और ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी बेसिकली सर्च बार, तो यहाँ पर हम सर्च बार क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट का टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर में लिखेंगे सर्च हियर। देन हम आईडी दे देंगे सर्च बी टी एन, नो नो सर्च इनपुट इसकी आईडी होगी। देन हम एक बटन भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे सर्च, देन इस बटन को आईडी दे देंगे सर्च बी टी एन। इस तरीके से हमने आईडी दे दी सर्च बी टी एन। देन इस नेओ टैग के बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी कार्ड, ठीक है, और इस कार्ड के अंदर ही हमारी कंप्लीट मूवी की डिटेल दिखने वाली है। ये पूरी मूवी की डिटेल इस कार्ड के अंदर दिखने वाली है, वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे ताकि हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर लोगो और सर्च बार आ चुका है। इसे हम सी एस एस दे देंगे तो
तो देखिए हमने यहाँ पर मार्जिन पैडिंग 0 दी है और बॉडी के अंदर एक फॉन्ट फैमिली ऐड की है रोबोटो, और हम पूरी बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रे कलर का, इस तरीके से उसको सेट कर लेंगे। देन हमारे पास हम नेव को टारगेट करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे, देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ताकि उसको लेफ्ट राइट और मिडिल से स्पेस मिले, और बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू इस तरीके से, और इस ब्लू कलर को हम सेट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन कलर वाइट, बेसिकली जो भी टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होगा, और हाइट दे देंगे हम नेव की 100 पिक्सल, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर बेसिकली, ताकि वर्टिकली भी चीज़ें सेंटर में रहें, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास है लोगो, लोगो की फॉन्ट साइज होगी हमारे पास कुछ 24 पिक्सल, ठीक है। देन हमारे पास सर्च बार है, सर्च बार उसको अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि वो एक ही लाइन में देखे दोनों चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं मूवी का फॉन्ट साइज दे दिया और अपन ने इनको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। देन हम सर्च बार के अंदर जो हमारे पास इनपुट है उसको टारगेट करेंगे, तो विड्थ दे देंगे अपन 260 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे इसकी बेसिकली 7 पिक्सल, फॉन्ट साइज दे देंगे हम कुछ 18 पिक्सल, देन बॉर्डर नन कर देंगे हम यहाँ पर, देन आउटलाइन नन, बॉर्डर नन आउटलाइन नन कर दी हमने। देन हमारे पास सर्च बार में एक इनपुट है और एक बटन है, सर्च बार में बटन को टारगेट करेंगे हम, जिसकी विड्थ होगी 80 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम ऑरेंज, कलर वाइट होगा, कलर वाइट, और बॉर्डर नन कर देंगे, ठीक, बटन की कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। देन इनके बीच में हमें गैप भी चाहिए, गैप भी दे देंगे, और यहाँ पर हम फॉन्ट साइज दे देंगे 16 पिक्सल, और मार्जिन इनलाइन दे देंगे ताकि गैप दिखे हमें 1 पिक्सल, आप लोग देख सकते हो हमें गैप दिख रहा है, ठीक है। देन अपन इनको बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल, और इनपुट को भी दे देंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा एक बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास नेव बार कंप्लीट हो चुका है। देन अब हम जावास्क्रिप्ट फाइल पर चलेंगे और JS अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर API का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें गूगल पर जाना है आपको, और देखिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, देन यहाँ पर आपको सर्च करना है OMDB API, इस तरीके से आपको सर्च करना है। देन आपको फर्स्ट लिंक दिखेंगी OMDB API, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। देन आप देख रहे होंगे नेव बार में हमारे पास API की का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन हमारे पास देखिए आप इस तरीके से आ रहा है ऑप्शन अकाउंट टाइप, तो आपको फ्री पर क्लिक करना है क्योंकि हम फ्री API यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर आपका ईमेल लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड यूज़, आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। देन जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल के ऊपर यहाँ पर आपकी API की मिलेगी, है ना। तो आपने जो भी ईमेल दिया है तो आपको उस ईमेल के ऊपर आपकी एक API की आएंगी, तो वो API की आप बेसिकली API के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो आपको डेटा आप फेच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैंने आपको बता दिया, तो आप ये फॉलो करना, आपको आपकी API की मिल जाएगी, वो API की आप API में डालोगे तो आप डेटा को फेच कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम एक लेट वेरिएबल बना लेंगे,
जिसमें मैं लिखूँगा API की, और डबल कोट्स के अंदर ये देखिए ये मेरी API की है, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यार सभी की डिफरेंट होती है, तो आप आपकी API की जनरेट होगी तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पर सर्च, जो हमारे पास सर्च बटन है, सर्च इनपुट है, उनको भी टारगेट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID की हेल्प से अपन सर्च इनपुट को टारगेट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है सर्च बटन, सर्च BTN, तो अपन ने सर्च बटन इनपुट को दोनों को ही टारगेट कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फैट एरो फंक्शन बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट गेट डेटा, गेट डेटा नेम से एक फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पर हम पैरेंथेसिस दे देंगे, देन एरो, क्योंकि हम एक फैट एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन हम एक वेरिएबल बना लेंगे, फैच फैच डेटा नेम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, और यहाँ पर हम फैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इस फैच के अंदर हम API को फैच करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम API को पेस्ट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो ये API है मेरी, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यार बेसिकली होने क्या वाला है, तो यहाँ पर हमने एक फैट एरो फंक्शन बनाया और एक वेरिएबल बनाया फैच डेटा। देन हमारे पास ये फैच फंक्शन है, इसकी हेल्प से अपन डेटा को फैच कर सकते हैं। हम यहाँ पर API को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। देन हमें इस फंक्शन को असिंक फंक्शन बनाना होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असिंक। और मैंने यार आपको बताया भी कि असिंक अवेट क्या होता है, तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे असिंक अवेट क्या होता है। तो बेसिकली यार असिंक अवेट दोनों एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के बगैर ये काम नहीं करते। तो बेसिकली जब हम अवेट का यूज़ करते हैं तो हम बोल रहे हैं ऐसे कि वेट करो जब तक हमें रिस्पॉन्स ना मिल जाए, ठीक है, जब तक हमें डेटा ना मिल जाए। तो बेसिकली जब हम अवेट का यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, नहीं तो अगर हम अवेट का यूज़ नहीं करेंगे तो हम पेंडिंग स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और ये फैच की मदद से बेसिकली प्रॉमिस हो रहा है, जो डेटा अगर हमें मिल रहा है तो ये तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, अगर मान लीजिए हमें डेटा नहीं मिलेगा तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास OMDB API है। देन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो T, ये आप देख रहे हो Y के अंदर हम यहाँ पर असाइन करने वाले हैं बेसिकली API की को। तो आपको सिंपल यहाँ पर API की जो हमारे वेरिएबल है मैंने लिख दिया, तो ये API की यहाँ चली गई। देन आप देख रहे हो एंड T, इस एंड T के अंदर बेसिकली सॉरी वैल्यू जाने वाली जो आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट लिख देते हैं इसमें PK, हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिख दिया PK। हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट PK असाइन किया, तो बेसिकली हमें PK मूवी की डिटेल मिल रही होंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम जब सर्च इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो हम अभी अप्लाई कर देंगे कि जो भी इंटर करें वो इसके अंदर आए, बट अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट अपन ने PK रख दिया, तो अभी हमें सिर्फ PK मूवी की डिटेल मिल रही होंगी, ठीक है। अभी हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमें प्रॉपरली हमारी API काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉक कर लेंगे बेसिकली फैच डेटा वेरिएबल को, ठीक है, और गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लेंगे, सेव करेंगे और आउटपुट पर जाएंगे। यहाँ पर अपन इंस्पेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर इसको हटा देंगे, कंसोल पर देखेंगे अपन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें रिस्पांस मिल रहा है, देखिए हमें यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। बट ये जो हमें मिल रहा है बेसिकली, बट हम इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं और इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें डेटा ऐसा चाहिए कि हम उसको यूज़ कर पाए, उसको हम इजीली रीड कर पाए। तो हम बेसिकली जो हमारे पास फैच डेटा के अंदर डेटा आ रहा है
इसको अपन कन्वर्ट करेंगे जेसन के अंदर, जिसको हम इजीली रीड कर पाए और यूज़ कर पाए। ठीक है, तो एक लेट वेरिएबल बना लेंगे जेसन डेटा नेम से, जेसन डेटा नेम से। और ये जो हमारे पास फेच डेटा है, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे जेसन के फॉर्म में। इस तरीके से आपको लिखना है फेच डेटा डॉट जेसन। ठीक है, देन अब हम कंसोल में जेसन डेटा वेरिएबल को लिखेंगे और सेव करेंगे। और देखिए हम आउटपुट पर आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो कि कंसोल में यहाँ पर हमें प्रॉमिस पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, ये प्रॉमिस पेंडिंग क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अवेट यूज़ नहीं किया। मैंने जैसे आपको बताया कि हम अवेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बोल रहे हैं कि वेट करो जब तक हमें डेटा ना मिल जाए, तो हम अवेट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हमें पेंडिंग स्टेट मिलेंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अवेट का यूज़ करूँगा तो देखिए मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा और डेटा मिल रहा होगा। देखिए रिफ्रेश हो रहा है, और आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर पूरा डेटा मिल रहा है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए हमें टाइटल मिल रहा है पीके। ठीक है, एक्टर्स आमिर खान, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हो ये API के अंदर हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ रही है मूवी की, मतलब पीके मूवी की यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है। देखिए बॉक्स ऑफिस, कंट्री, डायरेक्टर कौन थे, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। और ये जो आप पोस्टर दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारा इमेज का URL है। ठीक है, रेटिंग दिख रही है, हर चीज़ इस API के अंदर आप लोग देख सकते हो है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर API को अच्छी तरीके से कॉल कर रहे हैं और डेटा तो मिल रहा है। ठीक है, देन हमारा अगला काम क्या होगा बेसिकली, कि जब हम क्लिक करें, जैसे मेरा ये काम हुआ कि जब मैं यहाँ पर कुछ सर्च करूँ जैसे पठान या फिर और कोई भी मूवी, और सर्च बटन पर क्लिक करूँ तब मुझे उसका डेटा यहाँ मिल रहा हो। ठीक है, अभी तो हमने खुद से यहाँ पर PK लिख दिया तो हमें PK मूवी मिल रही है ना, तो वो हमको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सर्च बटन है उस पर अपन एक एड इवेंट लिसनर लगा देंगे। एड इवेंट लिसनर लगाएंगे हम क्लिक, तो जैसे हम करें क्लिक, ठीक है, तो एक फंक्शन चलेगा हमारे पास, और इसमें हमारे पास क्या होगा, एक वेरिएबल बना लेंगे अपन मूवी नेम से। मूवी नेम एक वेरिएबल होगा, इसमें अपन क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सर्च इनपुट है, सर्च इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू होंगी, ठीक है, वो आ जाएगी मूवी नेम के अंदर, है ना। और यहाँ पर अपन एक इफ़ कंडीशन भी लगा देंगे, एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि अगर मूवी नेम के अंदर कुछ नहीं हो, जैसे मतलब इस सर्च इनपुट के अंदर कुछ नहीं है और अपन ने सर्च बटन पर क्लिक किया, तो हमें एक एरर मैसेज शो कर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मूवी नेम अगर इक्वल इक्वल होता है बेसिकली, हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू एम्प्टी। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अगर मतलब जो मूवी के अंदर नेम आ रहा है, मूवी नेम है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली नहीं है, तो यहाँ पर अपन गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ नेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको अपन सेव कर लेंगे और इस गेट डेटा के अंदर इस मूवी नेम को पास कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में मूवी नेम पास कर दिया। बेसिकली क्या, जो भी अपन सर्च कर रहे हैं ना, वो इसके अंदर पास कर दिया अपन ने। जैसे अपन पठान सर्च कर रहे हैं तो पठान इसके अंदर चले गया, पीके तो पीके, और यहाँ पर हम पैरामीटर में लिख देंगे मूवी, इस तरीके से। ठीक है, देन आपको क्या करना है, इस पीके को आपको हटा देना है। अब आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको डॉलर कर्ली ब्रेसेस लिखना है और मूवी लिख देना है, यहाँ पर लिखना है आपको मूवी, इस तरीके से। तो देखिए जो भी हम सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो वो नेम यहाँ पर आएगा, और वो नेम यहाँ इसके अंदर API के अंदर असाइन होगा, और वो API उस नेम के लिए अपनों को डेटा ला कर देगी। ठीक है, सेव करते हम, देखिए रिफ्रेश हो रहा है, और हम यहाँ पर सर्च बार पे अगर हमने सर्च किया जैसे पठान, ठीक है, और मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हो हमें टाइटल में क्या दिख रहा है, पठान, बिल्कुल शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इस तरीके से हमें कंप्लीट पठान मूवी की डिटेल आ रही है। ठीक है, अब इस तरीके से मैं
अगर मैं सर्च करूँ पीके, ठीक है, सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो इसके नीचे, आप लोग यहाँ देख सकते हो टाइटल आ गया पीके, पूरी पीके मूवी की हमें डिटेल मिल रही है यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर मूवी सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल रही है। तो देखिए हम एक और सर्च कर लेते हैं, थ्री इडियट्स, इस तरीके से सर्च बटन पर हमने क्लिक किया तो इसके नीचे देखिए हमें यहाँ पर आ गई थ्री इडियट मूवी, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल। तो जो हमारा पहला टास्क था कि हम जो सर्च कर रहे हैं उसका हमें डेटा मिल रहा है, ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर मूवी नेम एम्प्टी नहीं है तो ये गेट डेटा फंक्शन होगा। एल्स कंडीशन में क्या होगा, एल्स कंडीशन में ये होगा कि मूवी के अंदर अपन ने जो बेसिकली इनपुट सर्च बार है उसके अंदर अपन ने कुछ नहीं लिखा है तो अपन एक एरर मैसेज शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से बेसिकली टारगेट कर लेंगे कार्ड को, जो अपन ने कार्ड ड्यू बनाया है ये, इसको टारगेट करेंगे और इसके अंदर इसके इनर एचटीएमएल में असाइन कर देंगे एक H1 टैग, ठीक है। H1 टैग को बना लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लीज़ सर्च मूवी नेम, है ना, हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट सर्च मूवी नेम, ठीक है, और H2 लिख देंगे, क्लोज कर देंगे और H2 लिख देंगे, सॉरी H1 ही लिखेंगे। इस तरीके से अपन ने टैग क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई यूज़र यहाँ पर कुछ डेटा नहीं लिखता है जैसे, और डायरेक्ट सर्च बटन पर क्लिक करता है, देखिए हमारे पास एरर मैसेज शो आ रहा है फर्स्ट सर्च मूवी नेम इस तरीके से, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। देन अब हम क्या चाहते हैं यार बेसिकली कि जो हमारे पास ये देखिए जैसे मैं पीके मूवी को यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो पीके टाइटल आ रहा है, तो ये जो हमारे पास टाइटल है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये जो इमेज है, हम क्या चाहते हैं वो यहाँ पर दिखे। तो हमारा अगला काम ये है कि हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट एक ड्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे और हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, बेसिकली हम एक एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट मींस एक टैग को क्रिएट करने वाले हैं, तो हम एक ड्यू एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इस ड्यू के अंदर हम एक क्लास लिस्ट ऐड करेंगे, उस क्लास का नेम होगा मूवी कार्ड, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक ड्यू क्रिएट किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से, अपन ने एक ड्यू क्रिएट किया, उस ड्यू के अंदर एक क्लास दे दी मूवी कार्ड, है ना। और इस ड्यू के इनर एचटीएमएल में, इस ड्यू के इनर एचटीएमएल में अपन असाइन करेंगे बेसिकली, हम क्या असाइन करने वाले, हम बेसिकली एचटीएमएल असाइन करने वाले। वो एचटीएमएल ये होंगी कि एक H1 टैग होगा हमारे पास, एक इमेज टैग होगा, पी टैग होगा, वो देखिए वो HTML यार ये होने वाली है, देखिए जैसे अपन यहाँ हम हमारी जो मैंने आपको पहले बताया था शो किया था, ये देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक H1 टैग है, पी टैग है, फिर ये हमारे पास हमने एक बटन क्रिएट किया है, तो ये हमें HTML लिखना है, ठीक है। हम हमारी वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से, तो हमको यहाँ पर HTML लिखना है ना। तो हम HTML फाइल पर आ जाएंगे, और क्योंकि JavaScript पर HTML लिखना बहुत मुश्किल है तो यहाँ पर हम बहुत ईजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या ज़रूरत है, एक इमेज टैग की ज़रूरत है, इमेज टैग आ गया, और एक ड्यू होगा हमारे पास जिसमें लिखा होगा कार्ड टेक्स्ट, एक ड्यू होगा कार्ड टेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास एक H1 होगा, ठीक है, फिर एक पी टैग होगा, एक एंकर टैग होगा, और इसी तरीके से हमारे पास पी टैग होगा काफ़ी सारे, हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इन पी टैग के अंदर हमारे पास, इन पी टैग के अंदर एक हमारे पास स्पैन टैग भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे स्पैन टैग इस तरीके से, तो पी टैग के अंदर हमारे पास स्पैन टैग होंगे। और देखिए ये जो HTML हमने लिखी है, हमको यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट
जावा स्क्रिप्ट पर लिखना मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत टाइम लगता है लिखने में, इसलिए अपन ने यहाँ लिखा है। इसको अपन कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे और सेव कर लेंगे, और हमारे पास ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने देखिए एक ड्यू क्रिएट किया जिसकी क्लास दे दी मूवी कार्ड, और उस ड्यू के इनर HTML में अपन ने ये सब चीज़ें असाइन कर दी। ठीक है, अब अपन चाहते क्या है बेसिकली, हम ये जो कंसोल दिख रहा है कंसोल को ऊपर ले लेंगे। तो देखिए यार, हम चाहते क्या है बेसिकली कि जो भी जैसे इमेज हो वो इमेज टैग में दिखे, जिससे हमें इमेज दिख रही होगी इस तरीके से। तो देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमको टाइटल बताना है, तो टाइटल बताना है, तो देखिए जेसन डेटा डॉट टाइटल बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले H1 टैग के अंदर डॉलर लिखना है, देन करली ब्रेसिस लिखना है, इसके अंदर आपको लिखना है जेसन डेटा डॉट टाइटल। तो देखिए जेसन डेटा डॉट टाइटल, ये हम बेसिकली जेसन डेटा डॉट टाइटल मीन्स, जैसे देखिए यहाँ पर हमने सर्च किया PK, तो देखिए ये जो टाइटल है PK वो आपको मूवी का टाइटल यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पूरी डिटेल यहाँ पर इंटर करने वाले, टाइटल में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, इस तरीके से। बट हमको उसके साथ साथ इसको अपेंड भी करना है। तो देखिए हम क्या चाहते हैं, जो अपन ने ड्यू क्रिएट किया है ये ड्यू को अपन अपेंड करेंगे इस कार्ड वाले ड्यू के अंदर, है ना। तो किस तरीके से अपेंड करेंगे अपन, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से उस कार्ड ड्यू को टारगेट कर लेना है। ठीक है, अपन ने कार्ड ड्यू को टारगेट कर लिया, और कार्ड के अंदर अपन अपेंड कर रहे हैं चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड अपेंड कर रहे हैं, तो अपन ड्यू वाला चाइल्ड अपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली अपन ने इस ड्यू, जो अपन ने ड्यू क्रिएट किया है इसको अपेंड कर दिया इस कार्ड वाले ड्यू के अंदर यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। तो देखिए मैं अभी सेव कर लेता हूँ और हम आउटपुट पर चलते हैं। रिफ्रेश हो रहा है ये पेज बेसिकली। देखिए अब हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं PK, और मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो मुझे हमारी स्क्रीन के ऊपर PK मिल रहा है। देख सकते हो आप क्यों PK मिल रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमने जेसन डेटा डॉट टाइटल यहाँ पर लिखा है, है ना। तो बेसिकली यार देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, अपन ने कुछ भी सर्च किया, API ने उस मूवी के लिए हमको डेटा ला के दिया, और जैसे हमने मूवी के लिए डेटा ला के दिया तो यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट हुआ। ठीक है, और उस ड्यू के इनर HTML में अपन ने ये HTML को असाइन कर दिया। ठीक है, और उस जेसन डेटा मतलब ये जो अपने पास API है, API के अंदर जो टाइटल है अपन ने बोला टाइटल शो कर दो, इसी तरीके से अपनों को इमेज शो करनी है, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ शो करनी है। तो अपन यहाँ पर एक एक करके शो करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें रेटिंग भी शो करनी है, तो देखिए हमारे पास ये हमने ओपन की रेटिंग्स, तो रेटिंग्स के अंदर हमारे पास देखिए 0 और 1, 2 पोजीशन है, है ना। तो हमें 0 पोजीशन के ऊपर ये जो वैल्यू है ये चाहिए, तो रेटिंग्स, तो यहाँ पर अपन इसको कॉपी कर लेंगे और P टैग में लिखेंगे अपन यहाँ पर स्पैन टैब के अंदर, जेसन के अंदर जो हमारे पास रेटिंग है ना, रेटिंग 0 वाली। और आप ये ध्यान रखिए कि इनका जो स्पेलिंग है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो सबसे पहले आप आपकी स्पेलिंग को मैच करें। ठीक है, रेटिंग्स नाम है यहाँ पर, रेटिंग्स, रेटिंग्स में 0 पर, 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो चाहिए हमें। ठीक है, रेटिंग्स चाहिए, देन रेटिंग्स के बाद हमें क्या चाहिए, देन हमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जेनरी, बेसिकली जो मूवी का टाइप है, तो यहाँ पर जेनरी लिखा हुआ है, कॉमेडी है, ड्रामा है, साइंस है, तो ये हमें जेनरी चाहिए। इसको अपन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जेसन डेटा के अंदर हमारे पास जो जेनरी है वो चाहिए। तो हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं इतनी चीज़ें हमारे पास प्रॉपरली दिख रही है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, PK सर्च बटन पर हमने क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हो तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास प्रॉपरली आ रही है। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए इसकी रिलीज़ डेट चाहिए, रिलीज़, इसको कॉपी कर लेंगे,
इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और जेनरी की जगह आपको लिखना है रिलीज्ड। देख लेते हैं रिलीज डे की, सिर्फ रिलीज डे, ठीक है रिलीज डे। देन रिलीज के बाद होगा हमारे पास रन टाइम है, तो आपको लिखना है जेसन डेटा डॉट रन टाइम। रन टाइम की स्पेलिंग सही है। देन आप लोग देख सकते हैं जो प्लॉट लिखा है, दिख रहा है आपको प्लॉट, बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है ना, मूवी का डिस्क्रिप्शन है, तो ये चाहिए हमें मूवी का डिस्क्रिप्शन भी। तो यहाँ लिख देंगे अपन प्लॉट, ठीक है, सेव कर लेंगे इसे और आउटपुट पर चलेंगे। रिफ्रेश होगा अभी हमारे पास और देखते कि डेटा आ रहा है हमारे पास प्रॉपरली नहीं। तो आप लोग देख सकते हो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिलीज सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देन आप लोग सोच रहे हो यार मैंने पी टैग के अंदर स्पैन टैग क्यों दिया, वो इसलिए दिया ताकि हम बता सकें कि भाई ये रेटिंग है, ये डिस्क्रिप्शन है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे रेटिंग इस तरीके से, देन यहाँ पर अपन लिख देंगे रिलीज, देन यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली ड्यूरेशन, है ना ड्यूरेशन। देन यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। हमने पी टैग के अंदर स्पैन टैग इसीलिए लिखा था ताकि अपन ये चीज़ लिख सके डिस्क्रिप्शन, ताकि यूज़र को प्रॉपरली समझ आए, ठीक है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है कि क्या टाइटल है क्या डिस्क्रिप्शन है, तो जैसे ही अपन देखिए हमने पी के लिखा, सर्च किया, तो देखिए आ रहा है रेटिंग दिख रही है, रिलीज़ दिख रही है, ड्यूरेशन सब कुछ चीज़ें आ रही है। देन अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो इमेज है इमेज के अंदर हमारे पास इमेज भी दिखे, तो जेसन डेटा के अंदर हमारे पास बेसिकली है पोस्टर, है ना पोस्टर। सेव करते और देख लेते आ रही कि नहीं हमारे पास इमेज। पी के सर्च किया, सर्च बटन पर क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये इमेज भी आ रही है और पूरा डिटेल भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट डिटेल भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा डेटा यहाँ पर फेच कर लिया है, और आप लोग देख सकते हो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है। आप चाहे तो और भी डेटा आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया किस तरीके से हमने डेटा को फेच करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डेटा निकाल लिया है। देन अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं जैसे पठान, है ना पठान, और मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास पठान का भी पूरी पठान मूवी की पूरी डिटेल आ गई, बट उसके नीचे आई, ठीक है, है ना। बट पी के मूवी के नीचे हम क्या चाहते हैं पहले यार कि जैसे अगर मैं पठान सर्च करूँ तो पी के मूवी हट जाए और पठान मूवी की डिटेल दिखे, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर टारगेट करना है किसको, इस कार्ड को टारगेट करना है, इस कार्ड को टारगेट करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कार्ड के इनर HTML में आपको असाइन कर देना है empty। तो देखिए बेसिकली किस तरीके से होगा कि देखिए अपन ने जैसे ही अपन सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, सर्च बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो फैच है, फैच उस नेम के लिए अपनों को डेटा ला के दे रहा होगा, और ये इनर HTML के अंदर अपन असाइन कर देंगे empty। असाइन कर देंगे empty मतलब ये जो कार्ड है, कार्ड को सबसे पहले अपन खाली कर देंगे, ये कार्ड को अपन कार्ड के अंदर जो भी हो उसको अपन सबसे पहले खाली कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर डेटा फिल कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, अब जो दिक्कत हमें आ रही थी अब नहीं आएंगी, ठीक है। देखिए रिफ्रेश हो रही है, अभी जो हमें दिक्कत आ रही थी ना अब नहीं आएंगी आपको। देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया पी के, ठीक है, पी के की मुझे यहाँ पर पूरी डिटेल मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं उसी तरीके से पठान सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं सर्च बटन पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो हमें पी के मूवी की जगह पठान की पूरी डिटेल मिल रही है। अब यहाँ पर पी के नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो पहले क्या हो रहा था हमें कि पी के मूवी के नीचे मिल रही थी पठान, तो अब क्या हुआ, बेसिकली जो पहले वाली मूवी थी वो रिमूव हो गई, देन न्यू पठान मूवी की डिटेल ऐड हो गई, तो ये हमारा एरर भी ख़त्म हो गया। देन हम क्या चाहते हैं कि देखिए यार जैसे मैंने यहाँ पर जैसे सर्च किया पी के,
है ना, और सर्च बटन पर क्लिक किया, तो ये जो इनपुट के अंदर ये जो पी के रह जा रहा है ये एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है। पी के अंदर यहाँ पर बेसिकली सर्च के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, ताकि हम इजीली फिर से कुछ भी सर्च कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं, आपको डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करना, जो हमारे पास सर्च इनपुट है, बेसिकली सर्च इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर असाइन कर देंगे एम्प्टी। तो इससे क्या होगा कि जैसे अपन ने सर्च बटन पर क्लिक किया तो जो भी सर्च बार के अंदर वैल्यू होंगी वो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अपन ने सर्च किया पी के, सर्च बटन पर अपन ने क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हो अब हमारा सर्च बार एम्प्टी हो चुका है। आप कुछ भी सर्च करो, सर्च पर क्लिक करो, फिर से हमारा सर्च बार एम्प्टी हो गया। तो इससे क्या होगा कि अब यूज़र फिर से डायरेक्ट सर्च कर सकता है, तो ये एरर भी हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये एरर भी हमने हैंडल कर लिया। देन अब हम इसको CSS देंगे, अब हम इसको CSS दे देते हैं। तो हमारे पास है ये मूवी कार्ड, मूवी कार्ड को हम CSS देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूवी, देन यहाँ लिखेंगे मूवी कार्ड। तो मूवी कार्ड को सबसे पहले अपन दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि एक लाइन में दिखे, डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे। देन इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वाइट होगा, पैडिंग होगी इसके अंदर, बेसिकली 22 पिक्सल की पैडिंग होने वाली है, और इसका बेसिकली विड्थ होगी, इसकी विड्थ होगी 1000 पिक्सल, ठीक है, जिसके अंदर इमेज पूरा टेक्स्ट होने वाला है। और इसको अपन मार्जिन ऑटो दे देंगे, मार्जिन ऑटो से ये ऑटोमेटिकली सेंटर में भी दिखेगा हमें, और देखिए तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें, ठीक है। और हमारे पास कार्ड है, कार्ड को अपन मार्जिन टॉप से दे देंगे 55 पिक्सल। तो देखिए अब ये नीचे भी आ चुका, ठीक है, नीचे भी आ चुका ये कंप्लीट। इसको अपन थोड़ा कम कर देंगे, 45 कर देंगे, ज़्यादा नीचे दिख रहा है, तो देखिए प्रॉपरली दिख रहा है। देन हम चाहते हैं इसके बीच में गैप दिखे, तो मूवी कार्ड, मूवी कार्ड बेसिकली अपन यहाँ पर ही इसको गैप दे के देखते हैं, गैप 22 पिक्सल का गैप दे देते हैं। आप लोग देख सकते हो इनके बीच में यहाँ पर गैप भी दिख रहा है, और इसको अपन बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल का, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने 5 पिक्सल का। देन हम क्या चाहते हैं, जो हमारे पास टाइटल है ये सेंटर में दिखे, और ये जो पी टैग में रेटिंग लिखी है ये भी सेंटर में दिखे, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पी टैग है इसको एक क्लास दे देंगे रेटिंग, इस तरीके से क्लास दे देंगे रेटिंग, और यहाँ पर उस क्लास को टारगेट कर लेंगे। तो हमारे पास मूवी कार्ड के अंदर जो H1 है उसको अपन दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो जो बेसिकली टाइटल है वो सेंटर में दिख रहा होगा। देन मूवी कार्ड के अंदर हमारे पास रेटिंग क्लास है, ठीक है, रेटिंग उसके भी अपन दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो दोनों ही सेंटर में दिख रहे होंगे हमें, देखते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं पी के, और आप लोग देख सकते हो हमें टाइटल और रेटिंग सेंटर में दिख रहे हैं, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, जो पूरा टेक्स्ट वाला है ना ये थोड़ा नीचे दिखे, तो हमारे पास एक है कार्ड टेक्स्ट क्लास है, कार्ड टेक्स्ट, उसको अपन दे देंगे मार्जिन टॉप से 23 पिक्सल। आप लोग देख सकते हो नीचे आ चुका है, ठीक है। देन हमारे पास मूवी कार्ड के अंदर जो पी टैग है उन सभी को मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल दे देंगे, तो सभी ये देखिए नीचे आ चुके हैं। देन हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं कॉमेडी ड्रामा, ये एंकर टैग में लिखा है, इन्हें अपन कुछ
CSS दे देंगे बटन की तरह। तो मूवी कार्ड के अंदर हमारे पास जो ए टैग है, एंकर टैग, इसको अपन बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑरेंज रेड, कलर होगा इसका वाइट, ठीक है, कलर वाइट होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देंगे, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देंगे, और अपन इसकी फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज दे देंगे कुछ 17 पिक्सल, ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे ताकि एक लाइन में दिखे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। कंट्रोल एस सेव, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। और यहाँ पर अपन इसकी विड्थ दे देंगे, इनकी विड्थ दे देंगे अपन 80%, और पैडिंग दे देंगे कुछ 7 पिक्सल का पैडिंग, आप लोग देख सकते हो 7 पिक्सल का पैडिंग दे दिया अपन ने। और इसको अपन मार्जिन ऑटो दे देंगे, मार्जिन ऑटो सेव कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो ये सेंटर में भी आ चुका है, ठीक है। और इसको अपन पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, पोजीशन रिलेटिव, और मार्जिन टॉप से दे देंगे, मार्जिन टॉप से दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये नीचे भी आ चुका है, ठीक है, कम्प्लीटली ये क्रिएट हो चुका है हमारा। देन हमारे पास ये आप देख रहे होंगे ये स्पैन टैग के अंदर जो लिखे हैं, इनको अपन थोड़ा सा ग्रे कलर में दे देंगे ताकि ये थोड़े डिफरेंट लगे, ठीक है। तो हमारे पास मूवी कार्ड के अंदर जो स्पैन है उसका जो कलर होने वाला है बेसिकली वो ग्रे होने वाला है, ग्रे कलर। तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा लाइट हो गए, और इसको अपन ने सेट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से डिफरेंट दिख रहे हैं, और जो हमने CSS देना थी हमने कंप्लीट CSS भी दे दी, और आप लोग देख सकते हो कंप्लीट यहाँ पर CSS दे दी हमने। देन यहाँ पर हम सर्च करते हैं, जैसे पठान सर्च किया मैंने पठान, तो देखिए पठान मूवी की डिटेल दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डायरेक्ट नेम सलमान, सर्च बटन पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो सलमान खान का सॉन्ग आ चुका है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और कंप्लीट यहाँ पर चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है। ये अगर मान लीजिए यूज़र हमने कुछ इसके अंदर एरर मैसेज ऐड किए हैं, जैसे कि अगर यूज़र यहाँ पर कुछ इंटर नहीं करता है, डायरेक्ट सर्च बटन पर क्लिक करता है, तो उसे हम एरर बता रहे हैं फर्स्ट सर्च मूवी नेम, ठीक है। पहले आप सर्च करो मूवी नेम, है ना। मान लीजिए अगर ने यहाँ अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने यहाँ पर कोई गलत मूवी का नेम इंटर कर दिया इस तरीके से कुछ भी, और सर्च बटन पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर कुछ एरर मैसेज नहीं आ रहा। तो हमें उसके लिए एरर मैसेज बताना है कि अगर यहाँ पर कोई यूज़र गलत मूवी का नेम इंटर कर देता है तो उसको एक एरर मैसेज शो करेंगे अपन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है यार, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो हमारा कोड है इस कोड को कॉपी कर लेना है, पूरे कोड को, इस हमारे पूरे कोड को कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है आपको। देन आपको लिखना है ट्राई, बेसिकली अपन ट्राई ब्लॉक लिख रहे हैं, और इस ट्राई के अंदर अपन ने इस कोड को डाल दिया। अपन ने क्या किया, पूरे हमारे कोड को अपन ने ट्राई के अंदर डाल दिया, और बेसिकली जो ट्राई है ये ट्राई कैच एक ब्लॉक होता है, तो बेसिकली इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर देखिए हमको लिखना पड़ेगा एरर, तो देखिए किस तरीके से काम करता है। अगर ये देखिए हमारा पूरा कोड अभी क्या है, ट्राई के अंदर है, तो अगर हमारे कोड के अंदर कहीं भी कुछ एरर आता है, जैसे ही एरर आएगा तो कैच के अंदर आ जाएगा, ये कैच ब्लॉक के अंदर एरर आ जाएगा, और ये उसे एरर को कैच कर लेगा, और हम यहाँ पर जो भी मैसेज शो करेंगे वो मैसेज शो करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये ट्राई और कैच इस तरीके से काम करते हैं कि अगर यहाँ पर ट्राई के अंदर कुछ एरर आता है तो कैच के अंदर हमें शो करके देता है, अगर कुछ एरर नहीं है तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा।
अगर जैसे ही कुछ एरर आया तो हम कैच के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से कार्ड को, और कार्ड के इनर एचटीएमएल में अपन असाइन कर देंगे एक उसी तरीके से एक H1 टैग, और इस H1 टैग में अपन यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली इंटर वैलिड मूवी नेम इस तरीके से, है ना। यहाँ पर H1 टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से अगर देखिए कुछ एरर आएगा तो हमारे पास क्या मैसेज शो होगा कि इंटर वैलिड मूवी नेम। देखिए हम आउटपुट पर चलते हैं, रिफ्रेश हो रहा है बेसिकली हमारा ये ऐप, और देखिए मैंने यहाँ पर सही नेम लिखा पी के, सर्च बटन पर क्लिक किया तो सही आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ गलत नेम लिख रहा हूँ और सर्च बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, इंटर वैलिड मूवी नेम, आप लोग देख सकते हो। तो ये हमने एरर मैसेज ऐड कर लिया। इससे क्या होता है यार, बेसिकली हम यूज़र को मैसेज बता पाते हैं कि आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए कार्ड के अंदर जो H1 है उसको अपन टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो जो हमारे एरर मैसेज है वो सेंटर में दिख रहे होंगे। देखिए इस तरीके से सेंटर में दिख रहे हैं। देखिए अगर कोई यूज़र यहाँ पर कुछ एंटर नहीं करता है तो उसको क्या मैसेज आ रहा है, फर्स्ट सर्च मूवी नेम, अगर कुछ वो गलत नेम मूवी का एंटर कर देता है देखिए इस तरीके से और सर्च पर क्लिक करता है तो देखिए उसको क्या आ रहा है, इस तरीके से उसको एक मैसेज आएगा। देखिए उनने अगर गलत नेम एंटर किया तो देखिए उसको आ रहा है इंटर वैलिड मूवी नेम इस तरीके से। अगर उसने सही मूवी नेम को यहाँ पर एंटर किया तो उसको पूरी मूवी की डिटेल मिल रही होगी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट मूवी ऐप क्रिएट कर लिया है। देन इसको हमको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अपन इंस्पेक्ट करेंगे देखिए, और इसके साइज़ के हिसाब से इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर अपन एक मीडिया क्यूरी ऐड करने वाले हैं बेसिकली डायरेक्ट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ लिखना है आपको, और मैक्स विड्थ दे रहे हैं अपन बेसिकली यहाँ पर 1100 पिक्सल, ठीक है। जैसे हम 1100 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारे पास मूवी कार्ड है, मूवी कार्ड क्लास है, वो उसकी विड्थ कितनी हो जाए, उसकी विड्थ हो जाए कुछ 90%, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो उसकी जो विड्थ है 90% हो गई, आप लोग देख सकते हो। तो जैसे जैसे अपन इसकी देखिए साइज़ छोटी करेंगे ये 90% हो जा रहा है, बेसिकली 10% कम। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। हमने देखिए इसकी साइज़ इतनी छोटी कर ली, अब ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अब ये हमारे पास आ गई है 700 पिक्सल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे 700 पिक्सल के अंदर आए तो इस नैवबार को भी हम रिस्पॉन्सिव बना लेंगे, ठीक है। तो एक मीडिया क्यूरी लगा देंगे अपन, यहाँ पर मैक्स विड्थ दे देंगे 700 पिक्सल, मीडिया क्यूरी लगाएंगे 700 पिक्सल। जैसे हम 700 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारे पास बेसिकली नैव है, नैव कैसे हो जाए, नैव हमारे पास हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा, वो अब हमें एक के नीचे एक दिख रहा होगा। देन हमारे पास होगा सर्च बार, तो सर्च बार डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे इसको, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सर्च बार है वो सेंटर में दिख रहा होगा। देन हमारे पास जो लोगो है, लोगो जिसमें लोगो है हमारे पास, उसको अपन टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट भी सेंटर में दिख रहा होगा। तो देखिए आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट भी सेंटर में दिख रहा है, देन ये सर्च बार भी सेंटर में दिख रहा है, और ये जो हमारे पास सर्च बार है इसको अपन मार्जिन टॉप से दे देंगे कुछ 11 पिक्सल। आप लोग देख सकते हो अपन ने मार्जिन टॉप से दे दिया 11 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है, जो नैव बार की हाइट है, वो अपन 120 पिक्सल कर देंगे, 20 पिक्सल बढ़ा दे रहे हैं। देखिए 20 पिक्सल हाइट बढ़ चुकी है इस तरीके से। देन उसके साथ साथ क्या चाहते हैं हम, जैसे हम 700 पिक्सल के अंदर आए तो अपन ने नैव बार को तो
बना लिया कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हम फ्लैक्स कर रहे हैं मूवी कार्ड को, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो, मतलब ये इमेज और टेक्स्ट एक के नीचे एक दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मूवी कार्ड है जो हमारे पास, मूवी कार्ड को अपन कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जो टेक्स्ट है पूरा सेंटर में दिख रहा होगा हमारे पास। देखिए जैसे हम 700 पिक्सल के अंदर आएंगे तो नैव भी एक के नीचे एक आ जाएगा, देन हमारे पास ये जो मूवी डिटेल है ये भी एक के नीचे एक आ जाएगी। देखिए आप लोग देख सकते हो एक के नीचे एक आ चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और जो मूवी कार्ड की विड्थ हमने 90% दी थी, अब अपन 80% दे देंगे, मतलब 20% कम कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए आप लोग देख सकते हो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हमने क्रिएट कर लिया इसे। और देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पर अपन 450 पिक्सल के अंदर जैसी आए तो यहाँ पर भी हम एक मीडिया क्यूरी देंगे। देखिए तो यहाँ पर अपन दे देंगे 450 पिक्सल। 450 पिक्सल के अंदर हम जैसी आए, 450 पिक्सल के अंदर अपन जैसी आए तो सबसे पहले तो अपन जो हमारे पास सर्च बार के अंदर इनपुट है उसको दे देंगे, उसको कम करेंगे। सर्च बार के अंदर जो इनपुट है उसकी विड्थ को अपन दे देंगे 50%, ठीक है, 50% कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से 50% हो गया, छोटा हो गया। देन सर्च बार के अंदर जो बटन है, सॉरी सर्च बार के अंदर जो बटन है, बटन के अंदर जो अपन ने मार्जिन इनलाइन दी है उस मार्जिन इनलाइन को भी कम कर देंगे अपन, 3 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। और फॉन्ट साइज कर देंगे 15 पिक्सल। देखिए आप लोग देख सकते हो और इसकी साइज़ हम छोटी कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि जो इमेज है ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, इमेज भी 10% कम हो जाए मूवी कार्ड के अंदर जो इमेज है। तो मूवी कार्ड के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसकी विड्थ हो जाए 90%। तो देखिए जैसे हम इसके अंदर आए तो देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो गई। और अब हम इसकी साइज़ छोटी कर रहे हैं ना, तो आप लोग देख सकते हो ये जो इमेज दिख रही है आपको बेसिकली मूवी की, ये भी देखिए आप जैसे जैसे हम साइज़ को डिक्रीज़ कर रहे हैं इमेज भी छोटी होती जा रही है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग देख सकते हो यार हमने इसकी साइज़ को कितनी छोटी कर ली और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हम सर्च करते हैं जैसे थ्री इडियट्स को सर्च किया, सर्च बटन पर हमने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास कंप्लीट 3 इडियट्स मूवी की डिटेल आ रही है। और आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव मूवी इन्फॉर्मेशन ऐप क्रिएट कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमारा ऐप दिखने वाला है। देखिए हम इसकी साइज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जब हम इसको बड़ी लार्ज स्क्रीन पर देखेंगे तो इस तरीके से दिखने वाला है। और जैसे हम इसकी साइज़ को छोटी करेंगे तो देखिए जैसे हम इसकी साइज़ को छोटी कर रहे हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव आ जा रहा है। और देखिए हम इसकी साइज़ को एकदम मोबाइल व्यू के अंदर देखने वाले तो मोबाइल के अंदर हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हम सर्च करते हैं पठान, सर्च पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो सर पठान मूवी की डिटेल आ रही है। तो इस तरीके से यार आप लोग देख सकते हो हमें कंप्लीट हमने एक रिस्पॉन्सिव मूवी ऐप क्रिएट कर लिया है जिसमें आपको कंप्लीट हर एक मूवी की डिटेल मिल रही होगी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यार हमने आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया है। जैसे API based प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है जिसमें हमने न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट किए जिसमें आप पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को सर्च कर सकते हो, इमेज सर्च ऐप क्रिएट किया है, रेसिपी ऐप, देन उसके अलावा हमने बहुत सारे रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट, जिम वेबसाइट, फूड वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है। प्लीज़ आप एक बार जाके ज़रूर
विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइज। नेक्स्ट टारगेट हमारा 5K सब्सक्राइबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।